वो आजाद हुए तो पता चला कि उनको कैद में रखा ही क्यों गया। कई लोगों को आज की तारीख में इस स्टेटमेंट से परेशानी होगी, लेकिन कल रात को जब इंस्टाग्राम पर मैं स्क्रॉल कर रहा था, सडनली ये मीम मेरे आंखों के सामने आ गया, जिसमें कि धोनी दीपिका पादुकोण के साथ खड़ा हुआ था। लिखा हुआ था कि भाई एक था जो विकेट के पीछे से इंसान को पढ़ लिया करता। अब ऑब्वियसली बात है, ये मीम पढ़कर मेरा भी दिमाग ठनक गया, यार ये क्या बात है। थोड़ा और देखा 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 तो पूरा का पूरा मैटर पता चला। अब मुझे ये चीज लिटरली फील हो रही है कि सलमान खान को शायद हमें गलत कहना बंद कर देना चाहिए। हो सकता है सलमान खान को सभी लोगों की जो असलियत है वो पता है, और इसीलिए वो चाहता ही नहीं इस दलदल में फंसना, इस गंदगी में फंसना। आज की तारीख में मुझे ये तक फील हो रहा है कि शायद रणबीर कपूर को जो हम लोग वुमनाइजर कहते हैं वो कहना गलत हो, क्योंकि दीपिका पादुकोण ने तो बता दिया है कि इट्स हर चॉइस का लिटरल मीनिंग क्या होता है। मतलब आप एक तरफ एक आदमी को न जाने क्या क्या लेबल दे रहे हो, दैट टू इतने घटिया जो शायद उसकी साथ जिंदगी भर चिपके रहेंगे, लेकिन जब एक महिला वही चीज कर रही है तब फिर हम लोग नजरें फेरने की बात करते हैं। क्यों भैया, आदमियों ने ठेका लेके रखा है समाज को सुधारने का, कि भैया नहीं आदमी ही सब कुछ सही करेंगे, औरत कुछ ऐसा कुछ कर ही नहीं सकती। मतलब लिटरली यार। और सबसे बड़ी बात ये, इस पूरे मैटर के बीच में रणवीर सिंह का जो चेहरा था ना, वो हर एक चीज बयां कर रहा। यहां पर सिचुएशन ही कुछ ऐसी, किस्सा दरअसल कुछ यूं है कि रणवीर सिंह और दीपिका पादुकोण को कॉफी विद करण के सेट पर बुलाया गया उसके ओपनिंग एपिसोड के। अब इसमें जब उनसे उनके रिलेशनशिप की शुरुआत के बारे में पूछा गया, तब दीपिका पादुकोण ने बताया और रणवीर सिंह ने ही बताया कि किस तरीके से वो दोनों ने एक दूसरे को देखा समझा। हालांकि रणवीर सिंह ने यहां पर जो कहानी बताई दीपिका पादुकोण से मिलने की, उसने दरवाजा खोला और उसकी हवा चली और फिर वो लोग होटल में बैठे हुए थे, और वो सब कहानी जो सुनाई वो पूरी की पूरी सेम थी जो उसने अनुष्का शर्मा के लिए कॉफी विद करण के ही एक सीजन में सुना चुका है। तो यहाँ पर वो भाई साहब भी कौन से बहुत सही है, पर कहानी सेम सुनाई। इसके बाद दीपिका पादुकोण ने जब अपना साइड शुरू किया, तो दीपिका ने कहा कि हम दोनों एक साथ थे लेकिन हम दोनों और लोगों को भी देख रहे थे, मैं उन लोगों के साथ एक्साइटेड नहीं थी, मेरी बॉडी उनके साथ थी, मेरी सोल तो इसी के साथ थी, मैं इसी के साथ कमिटेड होना चाहती थी, बैक ऑफ द माइंड मेरे यही चल रहा था। तीन से चार लोगों के साथ होने का वहां पर उसने जिक्र भी किया। अब इस पूरे पॉइंट ऑफ टाइम पर रणवीर सिंह चुपचाप बैठकर सुन रहा था। रणवीर सिंह ने क्लियरली कहा कि नहीं मैं तो इसके लिए कमिटेड था और ऐसा ऐसा बातें थी। लेकिन जब वहां पर जैसे ही ये बात आई कि नहीं तुम तो और लोगों के साथ भी कमिटेड थी, इस पर दीपिका पादुकोण ने सवाल खड़ा है, मैंने कब कहा। रणवीर ने बोला कि तुमने अभी खुद बोला है, मुझे इन लोगों के नाम भी पता है, बताऊं क्या। तब दीपिका ने कह दी कि इस बारे में अपन लोग बाद में बात। इन लोगों का कुछ भी चीज ऐसा नहीं होता कि अनप्लान्ड हो जाए। दीपिका पादुकोण ने 2013 के कॉफी विद करण में कहा था कि मुझे नहीं पता कि मैं कैजुअली कैसे किसी के साथ रिलेशनशिप में रहूं, जबकि उसी समय पर ये पूरा का पूरा खेल चल रहा था। तो पीआर ने जब ये सब चीजें प्लान करी थी तब शायद वो भूल गया कि उसको पिछले ट्रैक्स भी कवर करना। अब यहां पर ये मैटर आ गया है कि भैया दीपिका पादुकोण आखिर क्या है। अगर मैं आपको बताऊं तो रामलीला मूवी के टाइम का इन्होंने टाइम फ्रेम पूरा बताया, जिस टाइम पर की दीपिका पादुकोण और रणवीर सिंह का रिलेशनशिप स्टार्ट हुआ था। ये दौर था 2014 के आसपास, है ना। अब डिप्रेशन, अगर आपको याद हो तो दीपिका पादुकोण डिप्रेशन पे काफी ज्ञान बांचती है। 2015 में इन्होंने बताया था कि एक साल पहले ये ब्रेकअप के बाद में काफी डिप्रेशन में, और यहां पर ही कॉफी विद करण के सेट पर क्या बता रही है कि इन्होंने अपने डिफिकल्ट रिलेशनशिप और एक नहीं दो डिफिकल्ट रिलेशनशिप से निकलने के बाद में ये किसी से हुकअप नहीं होना चाहती थी। क्यों? क्योंकि ये उनकी एज थी, तो ये एक्साइटिंग कुछ चाहती थी, एक्साइटमेंट चाहती थी, और एक तरफ ये बोल रही है कि वही वाला फेस था जहां पर मैं डिप्रेशन में थी। अब टाइमलाइन जरा मैच करने की कोशिश करिएगा कि इनका ब्रेकअप होता है, उसके बाद ये रामलीला की शूटिंग कर रही है, रामलीला की शूटिंग के दौरान ये बोल रही है कि भैया मैं दूसरे लोगों के साथ वो रिलेशनशिप में थी और रणवीर सिंह के साथ भी मेरा रिलेशनशिप चल रहा था। एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम आप बाद में बोलते हो कि नहीं मेरा डिप्रेशन वाला फेस भी हुई था। तो भैया डिप्रेशन में आप गए ही इसलिए थे, आप अपने थाली में ही बफे सजा कर रख लिए थे और आपको समझ में नहीं आ रहा था कि मैं किसे खाऊं और किसे फेंकूं। दैट इज द मेन रीजन फॉर योर डिप्रेशन। और फिर आप जैसे लोग आकर जब इन चीजों के ऊपर ज्ञान पेलते हैं ना, तो लिटरली समझ में नहीं आता कि आपसे हम ज्ञान ले कैसे। आप ज्ञान देने के लिए वाकई में सही इंसान हो भी कि नहीं हो, और फिर हर चीज में आदमी को गलत बता दिया जाता है। दीपिका पादुकोण ने भी जब अपनी कहानी सुनाई तो हर किसी ने रणवीर कपूर को ही गलत समझा था, लेकिन आज की तारीख में जिस प्रकार का बुफे दीपिका पादुकोण ने सजाने की बात कही है, मुझे तो अब लगता है कि रणवीर कपूर ने भी कुछ गलत नहीं किया, उसने भी समझ लिया था कि हाँ भैया यहाँ पर तो यही माज रहा है। क्या बोल दो इन सब चीजों को लेकर, और रणवीर सिंह की इस समय जो मनोदशा होगी, भाई हो सकता है ये पूरा स्क्रिप्टेड हो सकता है, दोनों को एक दूसरे के बारे में पूरा पता हो, लेकिन शक्ल झूठ नहीं बोली। रणवीर सिंह का जो उस समय चेहरा था एट द पॉइंट ऑफ टाइम जब दीपिका पादुकोण ये सब बातें बोली, वो चेहरा काफी हद तक एक आदमी की मनोदशा को बताने के लिए काफी। लेकिन बस बात वही है कि मैं यहां ज्यादा कुछ बोलूंगा या कोई और व्यक्ति आकर ज्यादा कुछ बोलेगा तो बोल दिया जाएगा इट्स हर चॉइस, ये तो उसी की चॉइस है, उसको करने दो जो करना। लेकिन एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन में आप जरा रणवीर सिंह को दीपिका पादुकोण की जगह रखिए, किसने दीपिका को तो अंटे फंसा के रखा हुआ था, क्योंकि यही लैंग्वेज यहां पर आप ट्राई इसलिए यूज कर रहा हूं कि रणवीर सिंह ने दीपिका को तो अंटे फंसा के रखा हुआ था और वो कुछ दूसरी लड़की को भी डेट कर रहा था। क्या कहोगे आप इस आदमी को, वुमनाइजर। लेकिन वही काम तो लड़की कर रही, तो लड़की क्या कर रही है, एक्सप्लोर कर रही है, पहले इस्तेमाल करो फिर विश्वास करो, ये तो कोई बात नहीं होती, ये तो कहीं से कहीं तक कोई बात नहीं है। आप क्या एग्जांपल सेट कर रहे हो, और वो भी तब जबकि हम देखते हैं कि इन लोगों को एज अ चीफ गेस्ट, एज अ इन्फ्लुएंसर और एज अ ज्ञान बांचने वाला पता नहीं क्या क्या बनाकर इवेंट से बुलाया जाता है और ये हमको ज्ञान बांचते हैं। अब आप खुद डिसाइड कर लो ना इस पॉइंट ऑफ टाइम पर कि आपको किसे देखना है, किसे सुनना है और क्या करना है। अभी कुछ दिनों पहले भी एक ऐसी मूवी आई, उस मूवी में भी आदमियों को बिल्कुल धता बताया गया था। आज की तारीख में रणवीर सिंह के न
जाने कितने ऐसे एग्जाम्पल मौजूद हैं जब हम देख चुके हैं कि वो पब्लिकली अपने प्यार का, अपने अफेक्शन का डिस्प्ले करता है। मैं ये नहीं कहता दीपिका उसे प्यार नहीं करता, बट द थिंग इज कि यहाँ पर इतिहास किस तरह का किसका पन्ना लेकर आया, वो सब चीजें कहीं ना कहीं हम लोगों को सोचने मजबूर करती हैं कि क्या हमें ऐसी शख्सियतों को वाकई में मानना चाहिए, वाकई में समझना चाहिए। और ऐसा नहीं है, दीपिका पादुकोण के इतिहास को जब आप खंगालने के लिए जाएंगे, जब इनसे पूछा गया था कि आप अपने एक्स को क्या दोगी, तो इन्होंने कहा था पैक ऑफ कॉन्डम। अब समझ में आता है कि पैक ऑफ कॉन्डम ये क्यों देना चाहती। धोनी और युवराज दोनों के साथ में इनकी बातें निकलकर सामने आना शुरू हुई थी, जिसके बाद में धोनी ने खुद ही पीछे हट गए। तो अब समझ में आता है कि इंसान को पढ़ना कितना ज्यादा जरूरी होता है समय पर। हो सकता है वहां पर कुछ इधर उधर की बात हो जाती तो आज कुछ और ही पिक्चर निकलकर सामने आती। देखिए, एक शादीशुदा लाइफ में इंसान को चाहिए रहती है पीस। अगर उसके पास पीस है तो वो पैसा कमा लेगा, लेकिन अगर उसके पास वो पीस नहीं है तो वो पैसा भी नहीं कमा पाएगा और जिंदगी तो खैर छोड़ ही दीजिए। अरे मैं तो सीधी सीधी बात ये कह रहा हूँ, मुझे तो कपड़ों से भी दिक्कत नहीं है, लेकिन बात यहाँ पर ये आ जाती कि क्या सहारा सिर्फ लड़कियों को चाहिए रहता है? एक लड़के के साथ ये सब चीजें नहीं हो सकती? और ये जो सिचुएशन है, जो इतने सारे लोग इससे ट्रिगर हो गए, वो ट्रिगर क्यों हुए? वो ट्रिगर इसीलिए हुए हैं क्योंकि आज के तारीख में हम लोग हमारे समाज में ये सब चीजें होते हुए कहीं ना कहीं देख रहे हैं। और जो हमारे बुजुर्ग कहकर गए हैं ना कि सिनेमा समाज का आईना होता है, वो वाकई में सही कहकर रहे हैं। अगर समाज इनको नहीं सिखा रहा है ना, तो सिनेमा ये चीजें इनके दिमाग में भर रहा है कि नहीं, ये सब चीजें आप कर सकते हो। चार चार पांच पांच लोगों से रिलेशन बना के रखना बहुत सही चीज होती है, इट्स हर चॉइस, यही चीज बोली जाती है ना बार बार, इट्स हर चॉइस, आप नहीं बोल सकते। लेकिन जब आदमी यही चीज करेगा तो क्या होगा? वुमनाइजर हो, मिसोजिनिस्ट हो। ये सब बातें खत्म नहीं होने वाली, ये सब बातें यूं ही चलती रहेंगी। बातें इसलिए चलती रहेंगी क्योंकि वुमेन एम्पावरमेंट के नाम पर कुछ लोगों ने ऐसी बातों को मार्केट करना शुरू कर दिया जो उनको उनके लिए सहूलियत देने वाली चीज है। हम लोग आज की तारीख में कई सारे धर्मों के ऊपर उंगली उठा देते हैं कि वो महिलाओं को आजादी नहीं देते हैं या महिलाओं को ऐसे करते हैं, ट्रीट करते हैं, गलत ट्रीट करते हैं, लेकिन फिर ये सब चीजें भी उसी समाज का हिस्सा है। अब आप क्या कहेंगे इन चीजों को लेकर? सोशल मीडिया इस समय भरा पड़ा है इन सब टॉक से कि भैया यहां पर क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है। जरा कुछ एक ट्वीट्स की तरफ भी देख लेते हैं कि कैसे क्या माहौल इस समय सोशल मीडिया पर। तो यहां पर इन्होंने लिखा है कि व्हेनेवर दीपिका पादुकोण नीडेड सेक्स, शी वुड फाइंड अदर पीपल टू हुक अप विद, शी न्यू दैट रणवीर सिंह विल कीप वेटिंग फॉर हर नो मैटर व्हाट, शी एक्सप्रेस्ड इट दिस वे, मे बी माई बॉडी वॉज विद अदर्स मैन बट माई सोल वॉज ऑलवेज विद रणवीर, दिस इज द सिक मेंटेलिटी। क्योंकि भाई मैडम को एक्साइटमेंट चाहिए था, उन्होंने खुद नहीं बोला एक्साइटमेंट चाहिए था। मतलब यहां पर ना सिचुएशन, यहां पर रणवीर का चेहरा देख लो आपको सब पता चल जाएगा क्या है। दीपिका पादुकोण मोस्ट फेकेस्ट पर्सनालिटी एग्जिस्ट इन बॉलीवुड, दिस इज द रियलिटी, दिस इज द रियलिटी जो आज की तारीख में हम देख ही रहे हैं। दीपिका पादुकोण द बिगेस्ट रेड फ्लैग। अब इसके बाद ज्यादा आलोचना होगी तो बातें हो जाएंगी। अच्छा, इस पॉइंट ऑफ टाइम पे ये जो पॉइंट है ना, यहां पर मैडम बैठकर क्या कह रही है कि मुझे तो समझ में नहीं आती कि कैजुअल हुकअप्स क्या होते हैं, आप एक दूसरे के साथ कैसे, मतलब कितनी बड़ी दोगलापंती है यार। और जिस टाइम का ये शो है ना, जिस टाइम का ये एपिसोड है, उसी टाइम पीरियड में इनके इतने सारे लफड़े चले हैं। मतलब एक जगह पर हिपोक्रेसी हो तो समझ में आता है ना, एक एक पॉइंट पर आपके हिपोक्रेसी, एक एक पॉइंट पर क्या करोगे। और यहां पर फिर कैटरीना कैफ का एग्जांपल है, मतलब विकी कौशल के लिए क्या नहीं बोला मैडम ने यार, क्या नहीं बोला। करण जौहर द बिगेस्ट कलेशी ऑफ इंडिया, दीपिका सेड इन कॉफी विद करण दैट शी वॉज इन अ रिलेशनशिप विद रणवीर सिंह एंड स्टिल हैविंग फन विद फोर अदर गाइस। मतलब मैं आइंदा कभी रणवीर कपूर के वो गलत तो सुन ही नहीं पाऊंगा, वैसी हालत है। रोजी, दीपिका पादुकोण कांट रिमेंबर द पीपल शी वॉज हुकिंग अप विथ, रणवीर रिएक्शंस एंड फेस व्हेन शी सेज दैट। मतलब इतने लोगों के साथ हुकअप हो गया कि मैडम को याद भी नहीं है कि कितनों के साथ हो गया, नाम याद नहीं है, मतलब हद हो गई यार, बिल्कुल सरिया गरम हो रहा भैया। आई होप रणवीर सिंह इज सेफ आफ्टर जस्ट रिपीटिंग व्हाट दीपिका पादुकोण हैड सेड। उसके बाद ही तो मैडम ने बोल दिया था कि अपन घर चल के बात करेंगे ना। आप लोगों को देखना चाहिए एपिसोड, आपको भी समझ में आएगा कि यहां पर क्या है। Imagine the reaction of feminists if Ranveer Singh had decided described Deepika Padukone as a backup. Feminists चढ़ गए होते भाई, अभी तक चढ़ गए होते, बकिया उधेड़ के रख दी होती रणवीर सिंह की। लेकिन उस बात को ये ना, हम जो समाज में रहते हैं वहां पर ये सब चीजें ऐसी हैं। In a world full of Ranveer Singh and Deepika Padukone, be Allu Arjun and the Sneha Madam to each other. क्या बोलो। Deepika Padukone in 2013 saying she doesn't know how to casually date people while casually dating Ranveer Singh. Their PR team forgot to cover up their track of lies. What a literal embarrassment. PR का failure है ये, सबसे बड़ा PR का failure है, क्योंकि वो लोग इन चीजों को जज ही नहीं कर पाए कि इन लोगों ने खुद ने पास्ट में ऐसी ऐसी बातें बोल के रखी हैं, तो हम उन चीजों को लेकर आखिर किस तरीके से कवर क्रिएट करें। सोशल मीडिया पर ये भौकाल तो मच नहीं था और मच चुका है। आप लोगों का क्या कहना है इस बारे में कमेंट करके जरूर बताइएगा। मेरे इस वीडियो फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय।